कुछ यूट्यूबर्स है जो खेसारी लाल को सीधे टारगेट कर रहे थे कि डिप्रेशन में चले गए हैं खेसारी लाल यादव, ये बोलकर कि खेसारी लाल यादव ने अपना गाना अपने से डिलीट करवाया। भाई कुछ ऐसे ऐसे लॉजिक देने वाले लोग हैं ना इंडस्ट्री में कि मतलब क्या बोलेंगे, लगता है कि सर से पैर तक इनका ही बुद्धि है। सोचो कोई अपना गाना अपने से लाइक कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मरवाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट होता है गाने पे, अपना पैसा खुद क्यों मारेगा कोई। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। जी हाँ, कुछ लोगों ने ये लॉजिक दिया था कि खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं और अपना गाना खुद से डिलीट किया है। तो खेसारी लाल यादव जी ने पूरी तरीके से रेल दिया, बोला कि क्या अपने आप को इंजीनियर समझते हो, क्या समझते हो बे, तुम यूट्यूब के बारे में सब जानते हो क्या, पवन सिंह को हम रेस्पेक्ट करते हैं, पवन सिंह का नाम हम प्यार से लेते हैं, तुम लोग क्या दिखाना चाहते हो, साले अनपढ़ गंवाड़ कर, क्या नहीं बोला। खेसारी लाल जी ने पूरी तरीके से कहा कि अगर मैं एक्शन लेना चालू कर दूँ आप लोगों के ऊपर तो समझ लेना कि बच्चे खैर नहीं है, फिर सोच लेना हमको खोदो मत, खोदो मत, लिमिट तक खोदो, नहीं तो मैं अगर आ गया लाइन पे तो जानते हो ना कि मैं क्या करता हूँ। तो खेसारी लाल ने सीधे टारगेट कर दिया है और इसमें यहाँ पे दो तीन लोगों के ऊपर टारगेट हुआ है, आप समझ रहे हैं किसके किसके ऊपर हुआ है, और साफ साफ कहा है कि मेरा यूट्यूबर, अगर मेरा यूट्यूबर को मैं परमिशन दे दिया तो जीना हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे तुम लोगों का।